इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन का प्रयास कर रहे थे। हमारे प्रयास आज अपने टीम के लिए विकास के साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे बेचे कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजू सोरेन जी, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि श्री शाहनवाज अहमद जी, लाल मोहन महतो, शेख अलाउद्दीन और श्री अनादि महतो जी, मैं आप सभी अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि आप सभी मैदान के बीचों बीच आकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके इस फाइनल मैच का शुभारंभ करेंगे। कोई भी दर्शक बंधु को आने न दे और मंच के आगे की जगह खाली कर दे। साथ ही साथ सभी दर्शक बंधु साथ साथ सभी वॉलंटियर साथी से आग्रह करना चाहेंगे कि मंच के आगे जो खाली जगह है उसे खाली कर दे। कमेटी के सभी वॉलंटियर साथी से आग्रह करना चाहेंगे कि मैदान के चारों ओर घूमते रहें। स्वागत हमरा के चलिए तो दोस्तों हाई वोल्टेज मुकाबला है। एक तरफ नजर आ रही है एसी बिरक टेल को, तो एक तरफ है राजू एंड बड़ौदा सादितपुर। और साथ ही साथ हाई वोल्टेज मुकाबला के लिए हम पुनः एक बार बड़े भाई आदरणीय प्रकाश जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि हाई वोल्टेज का मुकाबला है, इसीलिए माइक्रोफोन पर स्वागत है आपका। धन्यवाद सनातन महतो जी। मैं सबसे पहले तो दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कृपया थोड़ा सा टच लाइन से दूरी बना लें, टच लाइन को पार न करें, क्योंकि अगर आप मैदान के बीचों बीच चले आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ी खेल पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। कल से लेकर आज तक आपका बहुत अच्छा सहयोग हमारी कमेटी के प्रति रहा है और आशा करते हैं कि इस अंतिम घड़ी में भी, इस अंतिम बेला में भी आपका बहुत अच्छा सहयोग हमारी कमेटी को मिलने वाला है। इसलिए सभी दर्शकगण थोड़ा सा और संयम बनाकर रखें। हम समझ सकते हैं कि जगह की थोड़ी सी कमी है, लेकिन उसके बावजूद आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रकाश आज कि नजर आ रहा है कि लहरों से क्यों डरते हैं आदमी, समुद्र के लहरों से क्यों डरते हैं आदमी, आज हमें पता चला। अरे दोनों टीम के लिए प्रकाश मैं यही कहूंगा कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, लब लब में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों निवेदन करना चाहूंगा मोहम्मद करीम जी से, सम्मिलित रूप से हमारे सल उड़ाकर और साथ ही साथ फूलों का गुलदस्ता देकर इस मंच पर स्वागत करेंगे। समय निकाल कर हमारे बीच उपस्थित हुए इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं मिस्टर सन्नी सिंह जी, दुर्गा सेना के अध्यक्ष हैं। आने वाले समय में मंच अपने चरण Yeah.
निश्चित तौर पर सुनील और विकास ने आज जिस तरह से फुटबॉल खेला है, वही काबिले तारीफ है जो हजारों की संख्या में जो दर्शक आज मैदान के बाहर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जी उम्मीद लेकर आए था उन्होंने काफी बेहतरीन फुटबॉल का प्रदर्शन दिखाया है, इसलिए अंतिम बेला में भी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत के साथ साथ आभार प्रकट करते हैं। आपका बहुत अच्छा सहयोग हमारी कमेटी को मिल रहा है, हर कुछ समय इसी तरह से सहयोग देते रहे तो निश्चित तौर पर जो दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का सफल आयोजन करने का जिम्मा लेकर काफी दिनों से इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन का प्रयास कर रहे थे, हमारे प्रयास सफल हुए और इस बार भी काफी तेज प्रगति की गई थी। बहुत ही चर्चित खिलाड़ी विकास नायक जर्सी नंबर 11 आज अपने टीम के लिए विकास के साथ साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए पांच नंबर आप सब अच्छे खेल ऐसा नहीं होना चाहिए आप सभी खिलाड़ियों के आइडियल है और इस तरह अगर आप लोग व्यवहार करेंगे अंतिम समय पर आप सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। राजू भैया देखिए लिए उत्साहित के लिए आपके हाथ से तालियां बजी है, तब तक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये ऐसा आवाज होना चाहिए। खुशी की बात है कि भाई जिनकी देख रेख में इस टूर्नामेंट का हमने सफल आयोजन किया, इस टूर्नामेंट में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, आदरणीय श्री शक्तिप्रद सेनापति जी, ज्योति सेनापति जी हमारे इस मंच पर मंचासीन है। मैंने देखता हूँ कि हर साल हमारे बीच उपस्थित होती है मंच पे सभी सदस्य मनोबल बढ़ाती है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री अख्तर हुसैन जी से और साथ ही साथ मोहम्मद करीम जी से कि आप हमें फूलों का गुलदस्ता देकर इस मंच पर सम्मानित करेंगे। अख्तर हुसैन जी और मोहम्मद करीम जी निश्चित तौर पर सम्मान देना बनता है, और फिलहाल फूलों का गुलदस्ता देकर और साथ में साल देकर के सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती ज्योति सेनापति जी का। प्रकाश ये दोनों रास्ते हमारे लिए मेहमान नहीं है, ये मेजबान है, इस परिवार के अहम हिस्सा है और इनकी अच्छी सोच इनका विचारधारा क्या देखते हुए टूर्नामेंट अगर शुरू हुई है तो इन दोनों का बहुत ही सफेद जर्सी में नजर आ रहे हैं, इसका नाम आज बने राजू एंड
लेकिन अगर सही में झारखंड उड़ीसा बंगाल में इसकी पहचान है तो डेंजर क्लब रसूलिया, डेंजर क्लब रसूलिया। देखिए उसके चेस्ट के सामने पहचान है डेंजर, और डेंजर मतलब खतरा। निश्चित तौर पर आज मैदान के बीचों बीच इन्होंने हर टीम के लिए खतरों की घंटी बजा देते हैं। इस वाला को बनाने के लिए पूरा श्रेय जाता है अमित माथुर। अमित माथुर एक अच्छी पहचान खिलाड़ियों के माध्यम से बनाए हैं, एक अच्छे कोच के रूप में जाना जाता है, और उन्होंने इन खिलाड़ियों को एक जगह एक माला में पिरो के हर मैदान में पेश करते हैं। राजेश कोलाबिरा के मैदान पर जो राजू एंड ब्रदर्स की टीम के नाम से टीम का नामांकन कराया गया है, वह राजू सरदार जी का भी बहुत अहम योगदान रहता है। इस टीम को स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सर के तौर पर राजू सरदार जी को जाना जाता है। और निश्चित तौर पर राजू सरदार जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक अच्छे समाज सेवी के साथ साथ एक अच्छे टीम मैनेजर भी है। जी हाँ, सरदार समाज के अध्यक्ष भी है। और राजूदा की बात करें, एक समय के बाद दिग्गज खिलाड़ी आरएनपीएस जमशेदपुर के खेल को जानते हैं, खिलाड़ी को जानते हैं। नतीजे उन्होंने ऐसे खिलाड़ी को चयन किया तो लगातार तीसरा साल इस मैदान में डेंजर क्लब रसूलिया विजेता बनते आ रहे हैं। और इसलिए मैंने कुछ देर पहले कहा कि अपने आप को बुलंदियों पर अगर रख सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा कमाल होती है। चलिए पुनः एक बार इस अंतिम बेला में मैं आप सभी हजारों का भावना है कि हम लोग हर साल इस टूर्नामेंट और आगे कर बढ़ाते जा रहे हैं। पुनः एक बार आप सभी दर्शकों के साथ साथ तमाम अतिथिगणों के अलावा जो भी हमारे बीच दुकान वाले ठेले वाले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती है, आभार प्रकट करती है हमारी एटीएफ एरिका आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन कोलाबिरा की पूरी कमेटी। जी हाँ, और इसके साथ साथ अगर इस टीम में और अहम योगदान कुछ ऐसे भी शख्स है जो प्रत्येक मैच में या पर हमेशा ही खिलाड़ियों का दुख दर्द को बांटने के लिए साथ साथ रहते हैं, वह मिचर सरू सरदार। और आज के तारीख में सरू सरदार कोई परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे तीसरे लेखक सो जिला पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, और साथ में एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के साथ साथ अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, और खास करके ये खासियत सरदार जी का। और इसमें बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे दर्शक हैं जो हीरो को उन्होंने तराश के ये मौका दिया, एक अच्छा माला बनाया है, वो है विचर जीतेन लोहार। और हमें उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि अगले साल के लिए मुख्य संयोजक आदरणीय अख्तर हुसैन जी आप सब के लिए कुछ कहना चाहेंगे। अख्तर जी आपका स्वागत है, आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे, दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि आखिर इतनी बड़ी सोच, इतनी अच्छी सोच, एक अच्छे समाज सेवी के साथ साथ एक अच्छे खेल प्रेमी आदरणीय अख्तर हुसैन जी आप सब से मुखातिब होंगे। अख्तर जी आपका स्वागत है। आज शायद उन्होंने इशारा कर दिया है, मतलब ऐसा इशारा किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, 5 लाख अगले साल प्रथम पुरस्कार 5 लाख होने की उम्मीद है। और कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अभी अभी हमारे मंच पर मंचासीन हुए हैं दुर्गा सेना के उपाध्यक्ष बड़े भाई मलकीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और एटीएफ कोलाबिरा की पूरी कमेटी और इस क्लब के मुख्य संरक्षक के जुबानी हम उसके मुझे सुनना चाहेंगे आदरणीय शक्ति सेनापति जी, क्योंकि ये जो नींद रखी गई 2021 में इनकी एक बहुत ही बड़ी सोच आम योगदान, सर आपका स्वागत है, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए इस खेल के लिए। धन्यवाद साथियों, हमारा जो तिलका मांझी कमेटी के सभी सदस्य और जितना दर्शक, मैं सभी को बोल रहा हूं कि आपका बिना सहयोग से इतना बड़ा फुटबॉल मैच हम लोग आयोजन कर नहीं सकते। और आज हम गर्व महसूस करते हैं कि ये छोटा सा प्रयास आज इतना बड़ा रूप ले लिया है। और हम आपको बता दूंगा कि कुछ एक दो साल के अंतर में शायद ये झारखंड की सबसे बड़ा और सबसे महंगी टूर्नामेंट होगी,
और अगला साल का हम घोषणा करते हैं कि अगला साल का जो प्राइज होगी वो 5 लाख रुपए की प्राइज होगी, वो 5,01,000 रुपए का वो प्राइज रहेगा। और हम लोग चाहेंगे कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी उसमें आए और नया खिलाड़ी भी मैदान में आए जिनको देखकर दर्शक के मन और खुश हो। मैं सभी दर्शकों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप बहुत शांति से खेल को सहयोग मिला कि शायद तारीफ काबिल है। आप बहुत बहुत अच्छे दर्शक है, आपका प्यार हम लोग को और हौसला बढ़ाता है। हम आशा करेंगे कि आपका प्यार इसे ही मिलते रहे और इसको महाकुंभ को सभी हर साल आप लोग मन मेला भी लगेगी इसी मैदान में और बहुत सारे दर्शक की सोच है कितनी बड़ी इतनी बड़ी मैच जब हो रहा है, इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है, क्यों ना यहाँ विदेशी खिलाड़ियों को बेंगल के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये सोच है हमारे कबड्डी परिवार का। और इसी तरह अगर आप सभी का दुआ और प्यार रहा तो निश्चित अगले साल इससे अच्छा खेल होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। कलकत्ता लाया था नहीं बड़का साहज है, हमें देखने को मिला कि ताकत तजुर्बा तकनीकी तकदीर और तकदीर, लेकिन आज तकदीर की बारी कम थी। सचिन भीम आ जाएंगे, आज का रिकॉर्ड है और इस मैदान का रिकॉर्ड है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद है कि पूरे मैच कल से कहीं भी कोई ऐसा घटना नहीं घटा है, कोई खेल ऐसे चोटी नहीं हुआ है, गंभीर चोटी नहीं हुआ है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद इस माँ दुर्गा के प्रांगण में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का अपने बार आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन सिंहभूम कोलेबरिया का ठीक सारे अभिनंदन स्वागत के साथ साथ शुक्रिया अदा करते आप सबों का। इस समापन मेला में भी आप सबों ने एक अच्छी दर्शक होने का परिचय दिया है और सुबह से जो शाम तक का आपका सहयोग रहा है निश्चित तौर पर आप सभी अशेष धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने बहुत सारे दर्शकों को देखा कि मैं आज सुबह अपने एक बार पूरी कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। चलिए जब ऐसा यादगार खेल हो तो ना सुबह की पता चलती है ना शाम की पता चलती है ना भूख ना प्यास की पता चलती है, क्योंकि बहुत सारे मैं दर्शकों को देख रहा हूँ सुबह से बैठे हुए हैं, वैसे हिले भी नहीं है, भूख नहीं लग रही है, भूख अगर उसका पूरा हो रहा है तो इनका खेल देख के। और धानो जो वेस्ट बेंगल से ताल्लुक रखते हैं ये खिलाड़ी और फुलचंद और कटप्पा, और हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो ये कटप्पा को देखिए जब ये गोल मारते हैं। रंगलाल, अगर हम सही मायने में कहें रंगलाल नहीं खेलकर रंगबाज है, क्योंकि रंगलाल से गेंद छीनना और जिंदा शेर से मुंह के मैंने मुंह से उसका गोद छीनना बराबर होता है। ये था रंगलाल, जैसे नंबर 2 एक अच्छा डिफेंडर और इधर में जैसे नंबर 5 में बेटा कुलकल बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर जैसे ब्लैक टेल को के सुंदर तालमेल मौका बनेगी। खिलवाड़ कर नाचा छे
अच्छे तालमेल का नजारा पेश करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी दिया काम से लड़ाई तो बड़ा छंदा डाके आर लड़ाई तो दौड़ा दौड़ा ढुकाओ मौके की तलाश में गर्मित के पास गेंद मौका बनेगी बहुत ही सुंदर मौका राजू देखे राजू से गलत पास विकास ए मॉन्स्टर आगू दिखे हाँ तो ठीक है तो यहाँ जाबे ना ये बॉच करते हम पास डिशन मना होता है बॉच करते ये मेरा डेली है ही कोई ओ आज ठीक है तो भाई हाँ तो ठीक है तो रपेंदे दौड़ जीरे भाई रानो रे ये लगे तो बोल और बहुत ही सुंदर व्यवहार गुरमीत के द्वारा चलिए आसार उम्मीद अभी भी आके समय समय चेंगे बोल के देख रहे लोड़ा तुम लोग काम मरा रहा चलिए उसको विश्राम दिया जा रहा है पूरी मैच सुबह से वो खेल रहे इसीलिए उनको विश्राम दिया गया है घनश्याम को एक अच्छे खिलाड़ी घनश्याम मुर्मू कम बैक करने का प्रयास इसलिए टेलको की लेकिन देखने वाली बात होगी अभी भी जो समय बची हुई है राजौरी ब्रदर्स याद करते हैं क्योंकि तीन तरह की परिवर्तन हो चुकी है इंद्रजीत लक्ष्मण गलत पास सोहेल की मैंने पहले ही कहा है रंगलाल जैसे खिलाड़ी से गेंद पार करना जिंदा सर के मुंह से गोद छीनने के बराबर होगी निश्चित तौर पर बहुत अच्छे डिफेंडर के तौर पर जाने जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपनी खेल में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहता है और एक गोलकीपर हो या फिर एक डिफेंडर हो सबके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल का हाई होना काफी जरूरी है एकदम क्योंकि आप ऐसे जोन पर रहते हैं जहां पर आपकी थोड़ी सी गलती आपकी पूरी टीम के लिए बड़ी नुकसान उठानी पड़ सकती है और आज बहुत अच्छा कार्य किया है रंगलाल हो या फिर तरुण हो हालांकि कल भी संजय भास्कर ने बहुत अच्छी गोलकीपिंग करी थी अपनी टीम के लिए वैसे प्लेक टेलको की तरफ से लेकिन कहीं ना कहीं आज उनके डिफेंडरों की गलती के कारण उन्हें काफी ज्यादा गोल कंसीड करने पड़े हैं मानस करो मानस कर कटप्पा उल्टा है पास दस नंबर माता चुनमी जिलो उल्टा
राहुल छिलो जे हेलो